हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गया हूँ खेत के लिए। और आज से कपास तोड़ना शुरू कर दिया है, तो कुछ बोरी लेके जा रहा हूँ साथ में प्लास्टिक की। कपास तोड़ना आज हो गया है शुरू। और मौसम का देखें तो आज हो रही है धूप अच्छी वाली, लेकिन साथ में हवा चल रही है, इस वजह से धूप का ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कपास के अंदर बैठ जाएं तो गर्मी लगती है, खड़े रह जाएं तो हवा लगती है। खड़े खड़े सही होता है, लेकिन कपास नीचा है तो बैठ के तोड़ना पड़ेगा। एक हाथ से धीरे टूटता है। ओहो, क्या प्यारा टूटा है ये देखो। इनमें जानवर भी होते हैं छोटे छोटे, सब में नहीं होते लेकिन कुछ कुछ जगह पे होते हैं ये। और ये तो रहेंगे ही, इनको तोड़ के साथ में डाल देते हैं। लोग हमसे जलते हैं, जलते हैं इस बात मेरे को ढूंढ रही है, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। हवा चल रही है तेज। टाइम होगा 11:30 और 8 बजे लगाता कपास के अंदर कपास तोड़ने के लिए। और 3.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इस धूप के अंदर और इतना सा कपास टूटा है। खेत का काम आता नहीं है अपने को, आज टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। और ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहा जो वीडियो में दिखाऊं, दिखाने वाला हो। और दोपहर में आज जो गर्मी पड़ रही थी, बहुत तेज़ गर्मी थी, न तो सो पाए और न कहीं पर चैन मिला। ऐसे भी कभी अंदर कभी बाहर घर के होते रहे, और अभी भी ऐसे कुछ ना कुछ काम लगा हूँ घर पे। हे गाइज, फिर से गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो एंड नहीं किया था क्योंकि कल काम में ज़्यादा बिजी थे, टाइम मिला ही नहीं ऐसा वीडियो बनाने का। तो कल वीडियो पूरा नहीं बना था, छोटा सा वीडियो बना था, उसको कंप्लीट किया नहीं, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। और अभी सुबह उठ करके नहा लिए, पूजा वूजा हो गई, मौसम भी ठीक है, रात को अच्छी वाली हवा चल रही थी। अभी मेरे को झुंझुनू जाना है, चाचा जी का लड़का है उसको वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि वो बाइक वाइक थोड़ा कम ही चलाता है तो सिटी में वो नहीं लेके जाता, इसलिए उसको लेके जाना है। ये वीडियो भी आपको लेट देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक वीडियो कंप्लीट हुआ नहीं और टाइम 8 बज गए हैं, तो ये कम्प्लीट भी होगा, एडिट भी होगा, फिर अपलोडिंग होगा। तो दोपहर तक करते हैं झुंझुनू में अपलोड। निकल गया हूँ घर से, ईयरफोन, आजकल वीडियो ईयरफोन से बनते हैं, माइक माइक छोड़ दिया। ये रानी देखिए आज अपना सफ़र में साथ। चलो सेंटर पहुंच गए हैं, ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बसंत विहार गूगल पे सर्च किया और पहुंच गए। और भीड़ कुछ इतनी लगी हुई है, 15 मिनट हम को हो गए। और वैक्सीन अभी अभी पहुंची है, बाइक को लगा दिया लाइन में, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। जब तक उसको वैक्सीन लगती है मैं इस व्लॉग को एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि कल व्लॉग को ख़त्म नहीं किया था एंड करके, और फिर अपलोड कर देते हैं। आज वाला व्लॉग आएगा लेट, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से इंजॉय किया। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।